की कोशिश करेंगे। मैम आप बताइए जरा, आप कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप भी बीच में आ गए, क्या कारण है कि आपको सचिवालय आना पड़ा और धरने प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा? मैम रीजन ये है कि जो हमारी नर्सिंग की जो पोस्ट है जो निकली है वो आउटसोर्स बेसिस पे निकली है और हम चाहते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे हो, ठीक है। इट शुड बी बैच वाइज एंड कमीशन वाइज, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं कर रही है। और आउटसोर्स में भी इन्होंने ऐसा किया है कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को दे दी है और कहीं कहीं से रैंडमली पिक करें। न्यूज में तो दे दिया कि इतनी पोस्ट निकलेगी, बट पोस्ट कैसे भरनी है वो क्लियर नहीं किया। बैक डोर से वो आउटसोर्स एजेंसीज को दे रहे हैं और नर्सेज को भर रहे हैं। ये हमारी जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसकी एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सट्रीम। हमने इतने साल स्टडी किया है तो इसलिए थोड़ी किया है कि हमें कोई भी आउटसोर्स पे लगा देंगे, फिर तो हम नहीं करते नर्सिंग। इट्स ए प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द कोर्स जो फॉरेन में और हमारे कोर्स की इक्विवेलेंसी मानी जाती है। कोई और आप किसी एजुकेशन उसको लोगे उसकी नहीं मानी जाएगी। तो हमारे कोर्स में हम ये चाहते हैं कि भाई रेगुलर पोस्ट निकले, ये जो आउटसोर्सिंग है इसकी एक्सप्लॉयटेशन को बंद किया जाए। क्या आप लोग इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं या फिर आपने सीधे ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, ठेका प्रथा बंद करो ऐसे पोस्टर लहराने शुरू कर दिए? मुख्यमंत्री से कितनी बार मिल चुके हैं और क्या मुख्यमंत्री तक आपने ये बात पहुंचाई है? मुख्यमंत्री से हम पहले भी मिल चुके हैं और आज भी हम उनसे मिलने गए थे, एप्लीकेशन लेके गए थे मैं उनके पास, बट ही इज सिक, सो उनके जो सेक्रेटरी है उनके पास हम एप्लीकेशन देके आए हैं। अभी 2 लाख रिक्वायरमेंट्स कि हमें आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा देर बेसिकली नर्सिंग में हमारे पास 6 कोर्सेज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ANM टिल PhD, तो देर आर कोर्सेज लाइक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग एंड PhD, सो दे आर एलिजिबल टू टीच इन द नर्सिंग कॉलेजेस। एंड ऑलमोस्ट देर आर 60 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस इन द हिमाचल एंड नो स्टाफ इज रिक्रूटेड फॉर दोज कॉलेजेस। नर्सिंग स्टाफ दे आर लाइक रिक्रूटेड डिपार्टमेंटल, नो रिक्रूटमेंट और नो लाइक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज देयर फॉर द नर्सिंग ट्यूटर्स और द एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑल्सो, ठीक है। तो ये अपने ही डिपार्टमेंटल सारी पोस्टेज को फिल कर रहे हैं। मोर ओवर जो स्टाफिंग के लिए बेसिक लेवल की आप पोस्टें निकाल रहे हैं GNM के लिए, BSc के लिए, उनको भी आउटसोर्स पे डाल दिए इन्होंने। अब लास्ट कमीशन हमारा 2019 में निकला था, उसके बाद वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन की हाँ टेस्ट आएगा, हम तैयारी करते हैं, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में क्या हो जाता है आउटसोर्स पे पोस्टें निकल आती हैं। आफ्टर 2024 में आपने पोस्टें निकाली और सारी की सारी पोस्टें आउटसोर्स पे भर रहे हैं। इज इट राइट गर्ल्स? क्या ये सही है? नहीं है ना सही। हमें रेगुलराइजेशन चाहिए, हमें बैच वाइज चाहिए, हमें जो भी RNP रूल्स है वो बोलते हैं 45% बैच वाइज, 45% कमीशन एंड 10% इनका डिपार्टमेंटल होता है, तो दैट्स ओके, वो ठीक है, हम अग्री है, बट आप बैच वाइज निकालो ना। एक बात बताइए, यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपकी बात सुनी नहीं जा रही थी? आपने कहा हम मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, सेक्रेटरी से आप लोग मिले हैं, से मिलने गए थे, उन्होंने हमारे मुंह पे ही बोल दिया। वी सेड कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे रिक्रूट करें। कहते नहीं, हम 600 पोस्टें जो भी निकली है वो तो हम आउटसोर्स निकालेंगे, फिर आपका रेगुलर। एम सुधा देवी की बात करें, जी हम उनकी ही बात करें, उनसे बात की थी, शी सिंपली डिनाइड कि नहीं हम आउटसोर्स बेसिस पे ही रखेंगे। हमारे RNP रूल्स जो बने थे, इतनी हमने कोर्ट से लड़ाई की तब बने हैं, उसमें लिखा है कि भाई कमीशन और फिर आप, ये दूसरा वे नहीं हो सकता। हम प्रोफेशनल बॉडी है, हम हर रोज थोड़ी धामा, और हमें ये धरने धुरने वाली चीजें वैसे भी पसंद नहीं है, हम प्रोफेशनल लोग हैं। अब एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए कि इसी वे से रिक्रूटमेंट होगी, आप बीच में से कहां से आउटसोर्स लगाए। और हमें तो तब पता चल रहा है अलग अलग न्यूज़पेपर में, मंडी में, यहां पर आ रही की, और अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसीज को दिया है इन्होंने की, और वो रिक्रूट कर रहे हैं, वो तो गलत बात है ना। एक 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 एज अ स्टेट को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आ रही कि हाँ ऐसे रिक्रूट, वो बैकलॉग कर रहे हैं। तो ये गलती किसकी है, मुख्यमंत्री या अफसरों की? सबकी, पूरी सरकार की गलती। ऑब्वियसली सरकार जो है वही पॉलिसीज बना रही है, तो जो पॉलिसी पहले बनी आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी सरकारें बदलती रहेगी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे प्रोफेशन से, जब हमने RNP रूल्स बनाए हैं तो आप उसके थ्रू रिक्रूट करो, आप क्यों हमारे प्रोफेशन से खिलवाड़ करें? ऐसे तो फिर जो भी सरकार आएगी बोलेगी नहीं नर्सिस कैसे करो, आप किसी और प्रोफेशन को कर रहे हो। प्रोफेशन का मतलब होता है जिसमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज है और आप उसको नहीं बदल सकते, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो आप कैसे बीच में से। और आपने आपने एम सुधा देवी से कोई सुझाव उन्होंने आपसे मांगे थे या आपने देने की कोशिश? कुछ सुझाव नहीं मांगे, सुझाव हमने ये दिया था कि मैम आपको रेगुलर पोस्ट, हमने CM सर से बात की थी, तो CM सर बोलते हैं आप MSc वाले हो, आप टीचिंग में जाओ। टीचिंग में कहाँ से जाए जब यहाँ कोई वे ऑफ एंट्री नहीं? मुख्यमंत्री की थी जी, MSc जो हमने की है, MSc कैसे जा सकते हैं ना, जब वे ऑफ एंट्री नहीं आपने रखा। इवन की एक जैसे अगर BSc भी अगर हमें टीचिंग में जाना है तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ही होगी,
होगी वो किसकी होगी, जिन्होंने लॉन्ग सर्विस की है, तो उन्हों की होगी। जो हमने फ्रेशर, जो हमने एमएससी की, हमें तो कभी मतलब जॉब मिल ही नहीं सकती टीचिंग प्रोफेशन। ऐसा नहीं बोलते हैं, आईएमसी रूल सेज कि आफ्टर 15 ईयर यू आर एलिजिबल टू डील विद द नर्सिंग कॉलेज एंड बी एज अ प्रिंसिपल। 5 years of experience जितना हो गया after मेसी we are eligible to become a vice principal or principal of the college, but अगर हमें हिमाचल में जॉब करनी we have to come from basic। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो हमारे ऊपर हेड करेंगे। आप सोचो मैम बैच में लॉ कितना है, 2010 से कोई 2010 टू 2014 years of backlog हो गया है। देखिए लगातार हम इन महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आउटसोर्स प्रथा का लगातार विरोध कर रही हैं, आज धरना प्रदर्शन में भी पहुंची थी। मैडम आप बताइए जरा, सचिवालय में आप लोग आए हैं, इन्होंने भी बताया कि आउटसोर्स प्रथा बंद होनी चाहिए, और आपको नहीं लगता कि आपका इस धरने प्रदर्शन में आना ये ठीक नहीं था, या क्यों जरूरत पड़ी, क्या मुख्यमंत्री से ठीक बात करने के लिए आए थे सीएम सर से कि हमें आउटसोर्स नहीं चाहिए, हमें कौन क्या बोलते कमीशन और बैच बेसिस पे भर्ती चाहिए, जो हमें नर्सेज की भर्ती चाहिए वो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए। और पहली बात, हम कोई यहाँ पे धरना देने नहीं आए हैं, हम अपनी बात अच्छे ढंग से सीधे ढंग से रखने के लिए आए ताकि सरकार हमारी बात सुने और नर्सेज के साथ खिलवाड़ ना हो। यही वो नर्सेज है जिन्होंने कोरोना में लोगों को मौत के मुंह से बचा के लाए हैं, और उन्हीं के साथ आप लोगों को क्यों रोक रही है पुलिस? इस चीज के लिए रोक रही है कि ताकि ये जो है कर्मचारियों का एरिया है, और ये यहाँ पे सिर्फ यही अपने बात रख सकते हैं, आप आउट ऑफ द एरिया जाए और वहाँ पे अपनी बात रखे। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर अगली रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा, हम अपनी मांगों को डिमांड्स अपनी सरकार के सामने रखते ही जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी ना हो। और सबसे मेन बात ये है कि बैच वाइज रेगुलर बेसिस पे भर्ती निकाली जाए, ना कि आउटडोर और बैकडोर भर्ती, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हमें चाहिए बिल्कुल बैच वाइज और कमीशन वाइज, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यूशन 10-12 साल से कंटिन्यू स्टडी करें, वो ओवर एज हो गए, वो कब नौकरी करेंगे? उनके बच्चे तक नौकरी वाले हो गए, वो कब नौकरी